बेटा चल जल्दी से दूध पी ले। लेकिन आपने इसमें बॉर्नविटा तो डाला ही नहीं है। अरे हाँ बेटा वो खत्म हो गया ना, सारे पापा को बोलूंगी नया वाला डब्बा लेके आएंगे, आज ऐसे ही पी लेना। छी मुझे नहीं पीना, फीका लगता है। क्या करूं इसका, बॉर्नविटा का तो नशा ही चढ़ गया इसे। मम्मी जी इज एक्चुअली करेक्ट, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसी हेल्दी ड्रिंक्स एक्चुअली बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है, लेकिन इसमें बच्चों की कोई फॉल्ट नहीं है यार। पेरेंट्स ही बचपन से बच्चों को ऐसी ड्रिंक्स पिलाते हैं और उन्हें आदत लगवाते हैं ऐसी ड्रिंक्स की, ये सोचकर कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चों की भलाई समझकर उन्हें ये सब पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली लगता है कि ये सब उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। अब देखते हैं सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक्स के अंदर आखिर होता क्या है। हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा दोनों के ही जो की इंग्रेडिएंट्स है काफी सेम है, दे आर मेनली व्हीट एंड बार्ले विच इज प्राइमरली कार्ब्स। कॉम्प्लान का जो की इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, विच इज कार्ब्स एंड फैट्स विच कम्स फ्रॉम मिल्क सॉलिड्स, इसलिए उनका कैल्शियम भी थोड़ा ज्यादा रहता है एंड दैट इज व्हाई दे फोकस मोर ऑन हाइट एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स टू, एज उनका कैल्शियम इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। बट डज दैट मीन कि ये ड्रिंक्स हेल्दी है? ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना जो उनके ड्रिंक्स के बॉक्स पे पीछे लिख के प्रमोट किए जाते हैं जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिंस, ये एक्चुअली बहुत ही कम मात्रा में होता है। इनफैक्ट इन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट बॉडी को मिलता ही नहीं है, इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन। ये जो सारी हेल्दी ड्रिंक्स है ये प्रोटीन रिच बोल के अपने आप को मार्केट में एडवर्टाइज करती हैं। देखते हैं इनमें एक्चुअली कितना प्रोटीन है। हॉर्लिक्स के 100 ग्राम में है 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम बॉर्नविटा में है 7 ग्राम प्रोटीन और कॉम्प्लान में है 15.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सुनने में ये काफी अच्छा नंबर लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी पैकेजिंग के पीछे देखोगे तो 20 ग्राम सर्विंग पे आपको मिलता है 1.5 से 3 ग्राम प्रोटीन, और ये सुनने में कहीं से भी प्रोटीन रिच नहीं हुआ। पापा पापा वो वाली चॉकलेट दिला दो ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा एकदम नहीं, कल ही चॉकलेट खाई थी ना आपने, हर दिन चॉकलेट नहीं खाते। जब बच्चे आपसे स्वीट्स या चॉकलेट्स मांगते तो आप उन्हें कितनी बार मना कर देते हो, थिंकिंग इट्स नॉट हेल्दी, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है जो आज कैविटीज का और कल डायबिटीज का रीजन बन सकता है। लेकिन जब वही बच्चे आपसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान मांगते तो आप बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कर देते हो, उन्हें दूध के साथ पिला देते हो, थिंकिंग कि किसी बहाने तो हमारा बच्चा दूध पी रहा है एंड आपको लगता है कि वो हेल्दी है। What if I tell you कि ये जो ड्रिंक्स है हेल्दी ड्रिंक्स है they do not just lack nutrition, इनमें चॉकलेट जितनी भारी मात्रा में शुगर पाया जाता है, शुगर विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट पॉइजन, आज की डेट में बच्चों की ओबेसिटी का बहुत बड़ा रीजन है। हॉर्लिक्स के 100 ग्राम में होता है 13.5 ग्राम शुगर एंड बॉर्नविटा और कॉम्प्लान के 100 ग्राम में होता है 32 ग्राम शुगर। और कौन सा हम मेजर करके डालते हैं, एक बड़ा सा ग्लास लेते हैं उसमें बहुत सारा दूध डालते हैं, उसमें बहुत सारा पाउडर डालते हैं ताकि हमारा बच्चा बहुत सारा दूध पिए, उसके बाद उसको और टेस्टी बनाने के लिए ताकि बच्चा बिल्कुल दूध छोड़े ही ना हम उसमें और पाउडर ऐड करते हैं। और मिल्क के ऑलरेडी 100 ml क्वांटिटी में होता है 5 to 10 ग्राम का नेचुरल शुगर। तो आप सोच रहे हो कि आप बच्चे के अंदर डेली क्या डाल रहे हो, एंड द क्वेश्चन इज कि ये बच्चों को शुगरी ड्रिंक इतनी पसंद क्यों है यार। रिसर्च बताता है कि एक एडल्ट मैक्सिमम एक दिन में 30 ग्राम शुगर कंज्यूम कर सकते हैं, 7 से 10 साल के बच्चे 24 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे 19 ग्राम से कम शुगर कंज्यूम उन्हें करना चाहिए और 4 साल से छोटे जो बच्चे उन्हें शुगर लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये हेल्दी ड्रिंक बच्चों को 2 बार भी पिलाते हो तो एडेड 16 ग्राम जो शुगर है उसके हिसाब से जो आपकी रिकमेंडेड लिमिट है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद पैकेज फूड भी बच्चे खाते रहते हैं। तो रिसर्च बताता है कि अगर आप अपने रिकमेंडेड शुगर से ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो तो एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। शुगर खाने से हमारे ब्रेन में एक केमिकल धमाका होता है जिसे हम कहते हैं डोपामाइन स्पाइक। शॉर्ट टर्म में इससे आपका मूड तो इम्प्रूव हो जाता है, आपका मूड बेटर हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप एक्सेसिव डोपामाइन लेते हो तो आपका शुगर से जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है, एंड अगर आप रोज ये शुगरी ड्रिंक पियोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं शुगर एडिक्शन के। मतलब प्रॉब्लम इसकी शुगर में प्रॉब्लम क्या है, मतलब इतना क्या बदनामी हो रही है शुगर की? लेट्स सी। एक टाइम था जब इंडिया में फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के कारण खाने की कमी थी, आज उसी इंडिया में चाइल्ड ओबेसिटी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। NFHS की 2019-2021 की रिपोर्ट के हिसाब से चाइल्ड ओबेसिटी के 1.4 करोड़ केसेस हैं इन इंडिया, विच मेक्स इट सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर चाइना। टू मच शुगर कॉजेज वेट गेन एंड ओबेसिटी बिकॉज शुगर इज वेरी कैलोरी डेंस, एंड लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट इज इवन वर्स। ज्यादा शुगर लेने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है विच लीड्स टू डायबिटीज, एंड आजकल बच्चों में डायबिटीज के केसेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और तो और ये जो सारी ड्रिंक्स है वो आपकी हेल्दी चीजों को रिप्लेस कर रही है जैसे कि मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड वाटर। इनफैक्ट अगर आप रोटी सब्जी का एक मील लेंगे ना दैट विल बी मोर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस देन दीज
हेल्दी ड्रिंक्स। लेकिन कन्वीनियंस की वजह से बहुत सारे लोग इन रेडी टू मिक्स शुगरी ड्रिंक्स को प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को देने के लिए बिफोर दे गो टू स्कूल, बट दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी की न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें आइडिया भी नहीं है। प्लस शुगर कॉजेस कैविटी। एक तरफ हम मिल्क ले रहे हैं ताकि हमें कैल्शियम मिले और दूसरी तरफ हम शुगर खा रहे हैं जिससे हमारा टूथ डेके होता है। शुगर फीड्स द बैक्टीरिया इन द माउथ जहां से कैविटी शुरू होती है विच कॉजेस टूथ डेके। बहुत सारी बात हो गई शुगर की, बहुत बातें कर ली, शुगर के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या है, सब कुछ हो गया। लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है, जो बाकी चीजें अपनी पैकेजिंग पे छाप के प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनका क्या, जैसे कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन्स, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स इतनी कम मात्रा में, इतनी कम क्वांटिटी में ड्रिंक्स में पाए जाते हैं कि इसका इजीली आपको हेल्दी एंड नेचुरल अल्टरनेटिव मिल जाएगा। इसमें जो जो भी होता है, विटामिन डी, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो होता है इसका, वो भी शुगर की वजह से कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप एक सिंपल दूध का ग्लास पियोगे उसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन इज कि इनमें से हम आपको कौन सी ड्रिंक रिकमेंड करते हैं? एक्चुअली कोई भी नहीं। None of these drinks are advisable. कभी कभार चलता है, लेकिन इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाना एंड बच्चों की डाइट का पार्ट बनने देना is not advisable at all. इसका एक बहुत अच्छे जो alternatives है वो है सत्तू एंड रागी। अब ये हुई ना एक्चुअल हेल्दी ड्रिंक जो हमारे ट्रेडिशनल घरों में सदियों से पाया जाता है। सत्तू इज अ रोस्टेड ग्राम फ्लोर जो कि ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस में पाया जाता है। एक पाउडर फॉर्म में आता है और इसका एक यूनिक अर्दी टेस्ट होता है। इट इज हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर। 100 ग्राम सत्तू में मिलता है आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो कि हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा एंड कॉम्प्लान से बहुत ज्यादा है। ये बनाने में भी आसान है, आपको बस सत्तू पाउडर को मिल्क या पानी में ऐड करना एंड एक फिलिंग एंड न्यूट्रिशियस ड्रिंक आपके लिए रेडी हो जाएगी। एंड अगर आपको एक कैल्शियम रिच ड्रिंक चाहिए तो रागी मिक्स विद शुगर कैन बी योर गो टू नेचुरल ड्रिंक। रागी इज ऑल्सो मिलेट जिसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है। इट इज गुड फॉर योर बोन्स एंड इट इज गट फ्रेंडली। रागी इज अ बिट स्वीट एंड उसका एक नटी फ्लेवर होता है। रागी को आप मिल्क में क्रश कर सकते हो एंड इट कैन बी योर परफेक्ट नेचुरल हेल्थी ड्रिंक। रागी हैज 344 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इन एवरी 100 ग्राम। ऑल्सो ये जो शुगर वाली प्रॉब्लम है जो बॉर्नविटा, कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स में आपको मिलती है, जो एडेड शुगर वाली, वो आपको सत्तू या रागी मिल्क में नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें है 0 ग्राम ऑफ एडेड शुगर। ऑल नेचुरल एंड अनप्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इसमें कोई एडेड कलर्स या फ्लेवर्स भी नहीं होते। ड्रिंक्स में आप अपने टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ड्रिंक्स और टेस्टी और मजेदार बन जाए। वी रियली होप कि इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को हेल्दियर कर सके। For more such unknown nutrition facts, subscribe to Fitello app.